गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शनाया राजपूत की है। शनाया कहती है, बात लखनऊ की है, लॉकडाउन के 4 महीने पहले। उस समय ठंड का मौसम था। मैं लखनऊ में अपनी बुआ की लड़की मतलब दीदी के घर पर थी। हुआ यूं कि मुझे लखनऊ में अपनी सहेली से शादी में जाना था, तो मैं शादी से होकर दीदी के घर उनके बुलाने पर पहुंची। दी का नाम संगीता, उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। जीजू भी काफ़ी अच्छे हैं, वो किसी पहलवान की तरह है, एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। उनके घर मैं पहली बार गई थी। 2 दिन उधर रहते ही मैं समझ गई कि जीजू की नज़र सही नहीं है। वो हमेशा मुझे देखते रहते हैं, उनकी नज़र हमेशा मुझ पर रहती है। वो मुझसे हमेशा मजाक करते थे, कभी कभी मजाक कुछ अजीब होता। जीजू होने की वजह से मैं उन्हें कह नहीं पाती, फिर मैंने उन्हें उनसे बोलना ही छोड़ दिया। पर वो बहुत ही बदमाश किस्म के थे। वो अपनी बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि वो दिन हो या रात दीदी को कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर देते। मैं अक्सर दीदी के रोने या चिल्लाने की आवाज़ सुनती। बाद में कमरे खुलने पर उनका बाल फैले हुए मिलते। समझ तो सब कुछ जाती, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड सैकी के साथ बहुत क्लोज थी, तो उसने मुझे ये सब बारे में बताया था। सैकी के बाद एक और मेरी लाइफ में बॉयफ्रेंड था, शेखर। मैं उसके साथ भी काफ़ी क्लोज थी। शेखर असल में मेरी सहेली का यार था। खैर, जीजू ने एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने सुबह से ही दीदी के साथ कुछ पल रहे, फिर वो चले गए। उस दिन जीजू ने शायद दीदी के साथ थोड़ी देर वक्त बिताई थी, जिस वजह से दीदी चल नहीं पा रही थी। इसी कारण उस दिन खाना भी मैंने बनाया था। दीदी ने मुझसे हर बात शेयर कर दी कि जीजू कैसे हैं नहीं हैं। खाना खाकर हम फ्री हुए तो जीजू को लेकर दीदी बताने लगी कि सुबह जाने से पहले क्या क्या हुआ। जीजू को अगले दिन 12 बजे आना था, तब तक दीदी की हालत भी ठीक हो गई। शाम को डोरबेल बजी, दीदी ने दरवाज़ा खोला। जब वो वापस आई तो उनके साथ एक लड़का था। उन्होंने मुझे बताया ये उनका पहला प्यार है, जिनसे वो अभी भी प्यार करती हैं। मैं उन्हें देखती ही रह गई। वो उस लड़के को अपने कमरे में ले गई। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अंदर ही रहे। दीदी ने उस लड़के के साथ ही वक्त बिताया। फिर दीदी ने मुझे आवाज़ लगाया, उनके बुलाने पर मैं कमरे के अंदर गई। वो लड़का कुछ में सो रहा था। दीदी ने मुझे देखा और वो बोली कि यार भूख लगी है। मैं कुछ नहीं कही, बस दीदी को जाकर खाना दे दी। मैं बाहर आई तो मेरे मन में ये सब कुछ आने लगा। अगले दिन जीजू घर आ गए, आते ही फिर दीदी के साथ समय बिताने लगे। वैसे भी दीदी थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी। जीजू ने उनके साथ थोड़ी समय बिताई, पता नहीं क्या, लेकिन जिससे दीदी बीमार हो गई। दीदी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। दवाई और 2-3 दिन ड्रिप लेने के बाद दीदी ठीक हुई, मगर अभी उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी। उस दिन जीजी, दीदी और जीजू हॉस्पिटल में ही थे, मैंने ही खाना बनाया। जीजू हॉस्पिटल से घर आए और दीदी के लिए खाना लेके गए। मैं दीदी की तबीयत पूछी तो जीजू ने बताया वो अभी 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट होंगे। जीजू ने मेरे घर वालों को फ़ोन करके भी बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे कॉल करके कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए कहा, फिर तुम्हारे जीजू तुम्हें वापस छोड़ देंगे। एक दिन और ऐसे ही गुजर गए। अगले दिन जीजू और उनके एक दोस्त सनी घर आए। मैंने उन दोनों को चाय नाश्ता दिया और वो दोनों मुझे देख रहे थे। उस समय मैं थोड़ी डरी क्योंकि मैं अकेली थी, फिर भी मैंने हिम्मत किया और मैं अपने कमरे में आ गई। वो दोनों चले गए। रात को हम
सब काम से फ्री होकर मैं कमरे में आकर लेटी। जीजू अपने कमरे घर पे ही रहने वाले थे, ये तो मैं जानती थी। खैर, मैंने अपने कमरे का डोर लॉक किया और फिर लेट गई। उस समय जीजू अपने दोस्त, यही सब के बारे में मैं सोच रही थी। फिर मुझे दीदी की बात याद आई कि किस तरह जीजू के ना रहने पर उन्होंने एक लड़के को बुलाया था। फिर मैंने ऐसे ही नेट पर एक नंबर निकाला, एक लड़के से 10 मिनट बात की और ऐसे ही कुछ देर बीत गया। अब तक करीब 2 घंटे बीत चुके थे, रात के 12 बज गए थे उस वक्त। तभी मेरी कमरे की गेट नॉक हुई। मैंने देखा रात के 12 बज रहे हैं। मैं सोने का नाटक करने लगी, लेकिन जीजू शायद कमरे के बाहर थे। वो 2 मिनट तक दरवाज़ा नॉक किए और फिर जाकर मैंने गेट खोला। उन्होंने मुझे कहा, आओ तुम भी हमारे साथ आके बैठ जाओ। वो दोनों शराब पी रहे थे। मैंने उन्हें कहा, नहीं जीजू, मैं शराब नहीं पीती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। लेकिन जीजू मुझे जिद करने लगे। मुझे लगा शायद वो शराब के नशे में ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी तरह से दरवाज़ा बंद करके सो गई। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था, ये पहली बार था जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, जीजू का हरकत मुझे पहले से ही बिल्कुल सही नहीं लगता, लेकिन आज का यह हरकत थोड़ा अजीब जरूर था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और ऐसे ही कुछ देर बीत गया। वो रात मैं सो गई। सुबह उठी तो जीजू ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं समझ गई कि शायद जीजू अपने बर्ताव से पछतावा हो रहा है उनको। खैर, इसी तरह वक्त बीत गया। धीरे धीरे दीदी 4 दिन बाद घर आ गई। अब मुझे वापस घर जाना था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन का होकर मैं 7 दिन के लिए आ गई थी, रुक गई थी। तो मैंने दीदी जीजू से कहा कि जीजू अब तो मुझे घर चलना चाहिए। लेकिन वो कहने लगी, अभी अभी तुम कैसे घर जाओगी। मैंने कहा, क्या? तो दीदी और जीजू ने कहा कि अभी दीदी प्रेग्नेंट है, तो थोड़ी सी घर पे हेल्प वगैरह करने के लिए मुझे रुक जाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मैं भी रुक गई और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, उसके बाद और कुछ नहीं। इसी तरह वक्त बीतने लगा और मैं वहाँ पे रहने लगी। करीब 3 महीने बाद मैं अपना घर आई, लेकिन वहाँ पर जो घटना मेरे साथ घटी और जितने दिन उसके बारे में सोचकर मैं गई और जितने दिन रुकी, ये सब कुछ बड़ा ही अजीब था। बस इसी के लिए मैं आपसे ये कहानी शेयर करना चाहती थी। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।